अपने सभी फैमिली मेंबर का पहला क्रेडिट कार्ड वन कार्ड क्रेडिट कार्ड ही बनवाता हूं, क्योंकि ये कार्ड बिल्कुल ही लाइफ टाइम फ्री मिल जाता है। बिना किसी इनकम प्रूफ के ये कार्ड ले सकते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल रखा गया है। इन ऐप क्रेडिट कार्ड इंस्टेंट जनरेट होकर के मिल जाता है सिर्फ केवाईसी और सिविल बेसिस पे। और इस कार्ड से जो भी आप स्पेंड करेंगे उसके ऊपर अच्छा खासा कैशबैक देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे लाइफ प्रूफ देख सकते हैं। 2021 में हमने पहला वन कार्ड क्रेडिट कार्ड बनवाया था और उससे अभी तक 98,000 रुपए से ज्यादा का कैशबैक अर्न कर चुका हूँ। और मेरा ये पर्सनल फेवरेट क्रेडिट कार्ड है, हमेशा सबसे ज्यादा मैं इसी कार्ड को यूज करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में ये कार्ड लेने का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे, कार्ड लाइव स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ और इस कार्ड का डिटेल रिव्यू करने वाला हूं, जो कि आप देख सकते हैं इतने सारे कार्ड लेने के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताने वाला हूं। बहुत चीजें हमने ऐसे नोटिस किए हैं जो इनके वेबसाइट के ऊपर मेंशन ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में वो चीज फेस करना पड़ता है, वो चीज भी आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा वन कार्ड क्रेडिट कार्ड लाइट और मेटल का। इनका दो वेरिएंट में कार्ड आता है, जो कि पहला आता है प्लास्टिक वाला कार्ड और दूसरा आता है मेटल कार्ड। ये एक्चुअल में लोहे का या स्टील का कार्ड रहता है, लेकिन अच्छा बात यह है कि दोनों ही कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिलते हैं। खैर, इन दोनों ही कार्ड लेने का यानी कि प्लास्टिक और मेटल दोनों ही कार्ड लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर आपको मेटल क्रेडिट कार्ड चाहिए तो ये मिलेगा अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड में, जो कि अनसिक्योर का सिंपल सा मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपका सिविल ठीक ठाक है तो बैंक अपने तरफ से क्रेडिट कार्ड इशू करेगा लिमिट के साथ, जो कि इस सिचुएशन में आपको मेटल कार्ड इशू किया जाएगा। अदरवाइज अगर आपका सिविल खराब है या आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, तो आपको मिलेगा सिक्योर क्रेडिट कार्ड, जो कि मिनिमम 5,000 का FD करा करके इस कार्ड को आप ले सकते हैं। ऐसे में आपको इशू किया जाएगा प्लास्टिक वाला कार्ड, जिसे वन कार्ड लाइट भी कहते हैं। और अगर FD करा करके कार्ड ले रहे हैं और 50,000 का मिनिमम FD कराते हैं तो आपको मेटल कार्ड इशू कर दिया जाता है, लेकिन FD वाला कार्ड रहेगा हमेशा सिक्योर कार्ड ही। इसी के साथ साथ कार्ड मिलता तो लाइफ टाइम फ्री है, लेकिन जब आप इसे बंद कराएंगे तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन सहूलियत वाली बात यह है कि 6 महीने के बाद अगर आप मेटल कार्ड बंद कराते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा, 6 महीने के अंदर बंद कराते हैं तो 3,000 प्लस GST चार्जेस लगेगा। सेम उसी प्रकार से प्लास्टिक वाला कार्ड अगर 6 महीने बाद क्लोज कराते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा, 6 महीने के अंदर क्लोज कराते हैं तो 500 प्लस GST चार्जेस काटे जाएंगे। वहीं पे दोस्तों आपने सुना होगा कि वन कार्ड क्रेडिट कार्ड तो अलग अलग बैंकों द्वारा इशू किया जाता है, तो आखिर वन कार्ड क्या करता है, वन कार्ड एप्लीकेशन क्या करता है, तो मैं आपको कंफर्म करना चाहूंगा। रिसेंटली वन कार्ड 6 बैंकों से को ब्रांडेड किया हुआ है, 6 में से कोई भी एक बैंक द्वारा आपको कार्ड इशू किया जा सकता है। बैंक की अगर मैं बात करूं तो पहला आ जाता है BOB, फिर आ जाता है CSB, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, और एंड में अगर आपका सिक्योर कार्ड का अप्रूवल आता है तो आपको कार्ड इशू किया जाएगा SBM बैंक के थ्रू। चलिए दोस्तों, आप कार्ड अप्लाई करने से पहले बस एक छोटा सा कंफ्यूजन मैं आपका दूर करना चाहूंगा, उसके बाद फटाफट से हम कार्ड को करेंगे अप्लाई। देखिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि FD वाला कार्ड का अगर अप्रूवल आता है तो वो कार्ड लेने का क्या फायदा, अपना ही पैसा फंसा करके कार्ड लेने का क्या फायदा। तो देखिए, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपका अभी तक सिविल जनरेट नहीं हुआ है, सिविल 0 है, या किसी लोन को डिफॉल्ट करके आपने सिविल खराब कर दिया है, या आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, इनकम प्रूफ नहीं है, तो कोई भी बैंक आपको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड जल्दी नहीं देगा। जल्दी क्या, देर से भी कब देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अगर आप कोई FD वाला क्रेडिट कार्ड लेकर के 2-4 महीने यूज करते हैं तो आपका सिविल अच्छा खासा बन जाता है, और उसके बाद किसी बैंक में अनसिक्योर कार्ड अप्लाई करते हैं तो वो बैंक देखेगा ऑलरेडी आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हो, यानी कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना आता है, आपको क्रेडिट कार्ड देने में कोई हर्जा नहीं है, तो अगला कोई भी बैंक आसानी से आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है। टू द पॉइंट अगर मैं बोलूं तो एक FD वाला क्रेडिट कार्ड रखने से आपका सिविल जल्दी बनता है, और अगर खराब सिविल है तो वो जल्दी से रिकवर हो जाएगा। वहीं पे एक पर्सनल टिप्स अगर मैं दूं तो मैं अपने और अपने सभी फैमिली मेंबर के अकाउंट में एक FD वाला क्रेडिट कार्ड जरूर रखता हूं, क्योंकि FD वाला कार्ड आपके सिविल में सिक्योर अकाउंट करके शो होता है। और सिविल ऑफिशियल का भी कहना है कि अगर आपके सिविल में सिर्फ अनसिक्योर लोन या सिर्फ अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड है तो आपका सिविल हेल्दी नहीं माना जाएगा, आपका सिविल एक जगह के ऊपर रुक जाता है या धीरे धीरे सिविल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, भले ही आप टाइमली पेमेंट क्यों ना कर रहे हो। तो ऐसा बीमारी अगर आपके सिविल में है तो समझ लीजिए आपको एक FD क्रेडिट कार्ड सिविल में रखना होगा और आपका सिविल 1-2 महीने में सही हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक FD कार्ड तो सभी को रखना ही चाहिए, चाहे आपके पास अनसिक्योर है या नहीं है। और वहीं पे अगर बात किया जाए क्या मार्केट में यही एक वन कार्ड क्रेडिट कार्ड ही बेस्ट FD क्रेडिट कार्ड है आज के डेट में, या इससे बढ़िया भी कोई कार्ड है, तो देखिए ये तो वीडियो है वन कार्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं इसी के बारे में अच्छा बोलूंगा। एक FD क्रेडिट कार्ड बढ़िया है मार्केट में अभी फिलहाल में, नंबर 1 के ऊपर मैं कह सकता हूं वो कार्ड है, वो है SBM क्रेडिलियो क्रेडिट कार्ड, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर 4,049 रुपए का वेलकम बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। 5,000 का FD के साथ वो कार्ड भी आप ले सकते हैं, 4,500 रुपए इंस्टेंट कार्ड लिमिट देखने को मिल जाएंगे। कार्ड बिल्कुल ही फ्री होने वाले हैं, कोई ज्वाइनिंग चार्जेस पे नहीं करना है, लेकिन 1 साल के अंदर अगर आप उस कार्ड से 25,000 स्पेंड नहीं करते हैं तो एनुअल चार्जेस पे करना होगा।
और सभी ट्रांजेक्शन के ऊपर फ्लैट 1% का कैशबैक देखने को मिल जाते हैं। तो SBM क्रेडिलियो कार्ड रिसेंट में बेस्ट FD क्रेडिट कार्ड होने वाला है, उस कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड में भी दे दिया हूं। अब चलिए वन कार्ड के ऊपर वापस आते हैं। वन कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद फटाफट से हम करेंगे वन कार्ड को अप्लाई। वन कार्ड से प्रत्येक 100 रुपए स्पेंड करने के ऊपर 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे और 1 रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू है वो 10 पैसा होने वाला है, यानी कि 100 रुपए स्पेंड करते हैं तो 20 पैसा का आपको वैल्यू बैक मिल जाएगा। और जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं या रिवॉर्ड को रिडीम करके अपने कार्ड में भी पैसा ऐड कर सकते हैं। इमीडिएटली कार्ड में पैसा सेटल हो जाता है, बस आप स्वाइप करेंगे आपका पैसा कार्ड में आ जाएगा। इसके अलावा वन कार्ड का एक स्पेशल फीचर है, अगर आप 3 अलग अलग कैटेगरी में एक बिलिंग साइकिल में स्पेंड करते हैं तो टॉप 2 कैटेगरी का जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो 5x कर दिया जाता है, यानी कि 100 रुपए स्पेंड करने के ऊपर जो 20 पैसा का वैल्यू बैक मिल रहा था उसे अगर 5x कर दिया जाए तो आपको प्रॉपर वैल्यू मिल जाता है 100 रुपए स्पेंडिंग के ऊपर 1 रुपए का। टू द पॉइंट अगर मैं बोलूं तो मैक्सिमम यहां से कैशबैक आप 1% का ले सकते हैं। इसके अलावा इस कार्ड से अगर आप फॉरेन करेंसी में डील करते हैं या मान के चलिए विदेशों में इस कार्ड को यूज करते हैं तो सिर्फ 1% का फॉरेक्स मार्कअप फी लगने वाला है। और इस कार्ड से 1 लाख रुपए तक का कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है इमीडिएटली आपको वन कार्ड को इन्फॉर्म करना है, जो कि उस फ्रॉड वाले पैसों को आपको पे नहीं करना पड़ेगा, यानी कि इस कार्ड के ऊपर फ्रॉड प्रोटेक्शन मिल जाता है 1 लाख रुपए तक का। इस कार्ड के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है, कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा। चलिए इस कार्ड को करते हैं अप्लाई। जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मैं इस फोन से करता हूं अप्लाई, यहां पे थोड़ा सा सही रहता है मार्किंग वगैरह करने में। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं गेट स्टार्टेड के ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहां पे मोबाइल नंबर एंटर करके और गेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। ये जो मोबाइल नंबर आप दीजिएगा यही नंबर आपके वन कार्ड से लिंक हो जाएगा। और अगर आपका सिविल पहले से जनरेटेड है, सिविल ठीक ठाक है, आप चाहते हैं हमको मेटल कार्ड मिले, तो आप यहां पे वो मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपके सिविल में पहले से ही ऐड है, तो मेटल कार्ड मिलने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आएगा, OTP एंटर करके नीचे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। डायरेक्टली आपको स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है डिजिटल इन ऐप KYC होने वाला है, यानी कि किसी प्रकार का फिजिकल KYC नहीं होगा और कार्ड बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, क्लियरली मेंशन है। चलिए स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे साइन इन विथ जीमेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये फैच करेगा कि आपके फोन में कितने जीमेल आईडी लॉगिन है और फिर पूछा जाएगा कि आप कौन सा ईमेल आईडी को इस कार्ड से लिंक करना चाहते हैं। कोई भी एक ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक कर देना है जो आप इस कार्ड से लिंक करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाइंग योर ईमेल क्रेडेंशियल का ऑप्शन आ रहा है, आपका ईमेल आईडी कार्ड से लिंक किया जा रहा है। अब देख लीजिए आपको इस एप्लीकेशन के लिए MPIN सेट करना है, 4 डिजिट का ऊपर भी पिन डालेंगे नीचे भी पिन डालेंगे और नीचे कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और फिंगरप्रिंट आप चाहें तो इनेबल रख सकते हैं। चलिए उसके बाद आप प्रॉपर फॉर्म फुल के आ चुका है क्रेडिट कार्ड का, जहां पे फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, जेंडर सेलेक्ट करके नीचे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद करंट एड्रेस फॉर कार्ड डिलीवरी, यहां पे कुछ नोटिफिकेशन बताया जा रहा है, प्लीज इंटर योर एग्जैक्ट करंट एड्रेस, कार्ड विल बी डिलीवर्ड ऑन दिस एड्रेस, लेटर यू कैन नॉट चेंज दिस एड्रेस फॉर कार्ड डिलीवरी। और हाँ, यहां पे एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका फिजिकल क्रेडिट कार्ड डिलीवर्ड नहीं होता है आपके एड्रेस के ऊपर तो आपको जो वर्चुअल कार्ड मिला होगा वो भी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपका KYC कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा से KYC करवाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कार्ड एक्टिवेट होगा और दोबारा से आपका कार्ड डिस्पैच किया जाएगा और जब आपका कार्ड डिलीवर्ड हो जाएगा तभी आपका कार्ड एक्टिवेट होगा। तो इसीलिए ऐसा एड्रेस डाले जो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर भी हो और आप वहां पे रहते भी हो, ताकि कार्ड डिलीवर्ड हो जाए और KYC फेल ना हो आपका। चलिए गॉट इट के ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद देखिए एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ चुका है, हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, बिल्डिंग नेम, सोसाइटी, एरिया, सिटी, पिन कोड, लैंडमार्क, सारा कुछ आपको यहां पे एंटर कर देना है। और जैसे जैसे आप कॉलम को फिल करते जाइएगा, यहां पे देखिए एड्रेस क्वालिटी यहां पे गुड आ चुका है मेरा, क्योंकि मैं सारा कुछ डाल दिया हूं, तो नीचे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए उसके बाद यहां पे कंफर्म पैन का डिटेल आ चुका है, यहां पे आपको पैन नंबर डालना है, ऊपर नीचे सेम पैन नंबर डाल करके नीचे कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए कार्ड का अप्रूवल आ जाता है। यहां पे 2 में से कोई भी एक प्रकार का आपको पेज दिखाए जाएंगे। पहला आप देख सकते हैं हमारा मेटल कार्ड का अप्रूवल है, जो कि 60,000 लिमिट के साथ हमें मेटल कार्ड दिया जा रहा है। दूसरा आप बगल में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, अगर आपका सिविल क्वालिफाई नहीं करता है तो आपको सिक्योर कार्ड का ऑफर आ सकता है, जहां पे देख लीजिए मिनिमम क्रेडिट लिमिट 5,000 का ऑप्शन है। तो यहां पे मैं अनसिक्योर वाला को साइड में कर देता हूं, लेकिन दोनों ही कार्ड लेने का सेम प्रोसेस रहने वाला है। तो मैं मान के चलता हूं आपको सिक्योर कार्ड का ऑफर आता है, जहां पे मिनिमम क्रेडिट लिमिट 5,000 का होने वाला है, यानी कि 5,000 का आप FD करेंगे 5,000 का कार्ड लिमिट मिलेगा। जो आप FD करेंगे उसके ऊपर देख लीजिए करंट FD रेट 6.5% का मिलने वाला है। तो यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए उसके बाद यहां पे टेक ए सेल्फी का ऑप्शन आ चुका है, यहां पे
एक सेल्फी अपलोड करना है केवाईसी के लिए, जहां पे लाइटिंग सही होना चाहिए, कोई टोपी या चश्मा नहीं पहने होना चाहिए, फेस जो है वो बिल्कुल गोला के बीच में आना चाहिए, ठीक है, और अच्छा दिखना चाहिए। यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे ही आप सेल्फी कैप्चर करते हैं, सेल्फी प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाता है, रीटेक कर सकते हैं या अच्छा है तो कन्फर्म के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। मेरा सेल्फी सही है, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। चलिए उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे एक नोट बताया जा रहा है कि जो आप अभी बैंक अकाउंट ऐड करेंगे इसी अकाउंट से आपको एफडी वाला पैसा भी कटाना है, यानी कि 5000 का जो हम एफडी करेंगे वो इसी अकाउंट से करना है। इसके लिए नेट बैंकिंग या यूपीआई फैसिलिटी इनेबल होना चाहिए ताकि हमारा काम रुके नहीं। चलिए गॉट इट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद यहां पे देख लीजिए वेरीफाई बैंक अकाउंट में दो ऑप्शन है, यूपीआई के थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं बैंक अकाउंट को, या फिर मैन्युअली अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाल करके वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए आजकल ज्यादातर क्रेडिट कार्ड में अकाउंट नंबर मांगा जाता है क्योंकि अकाउंट नंबर आज के डेट में केवाईसी का ही एक पार्ट बन चुका है। तो मैं यहां पे अकाउंट नंबर मैनुअल डाला हूं, मैं यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया हूं, अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाल करके नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद देखिए बोला जा रहा है हम आपके अकाउंट में 1 रुपया डाल रहे हैं ताकि अकाउंट वेरीफाई हो जाए, ट्रांजैक्शन नंबर और टाइम डेट सारा कुछ आ रहा है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और ये हमारे अकाउंट में 1 रुपया आ भी चुका है। चलिए अब यहां पे देख लीजिए कंप्लीट पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, जहां पे बोला है फिक्स डिपॉजिट अमाउंट 5000 का आपको पेमेंट करना है ताकि आपका एफडी कंफर्म हो और कार्ड तुरंत जनरेट हो जाए। यहां पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पे वाया यूपीआई और बैंक ट्रांसफर एनईएफटी आईएमपीएस। तो फास्ट प्रोसेस के लिए मैं पे वाया यूपीआई के ऊपर क्लिक करूंगा और अब ये हमें पेमेंट गेटवे के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए रोजर पे पेमेंट गेटवे के ऊपर मैं आ चुका हूँ, पे यूजिंग यूपीआई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मैं गूगल पे का यूपीआई आईडी डाल दिया हूँ, गूगल पे से मैं पेमेंट करता हूँ कन्फर्म 5000 का। और यहाँ पे देख लीजिए योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे एड ए नॉमिनी फॉर एफडी, नॉमिनी हमें यहाँ पे एड करना है। रिलेशनशिप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन है, मदर फादर वाइफ हस्बैंड का यहाँ पे ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से करेंगे। उसके बाद नॉमिनी का नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और एड नॉमिनी के ऊपर क्लिक करेंगे। और अब एंड में यहाँ पे कंफर्म करंट एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, बताया जा रहा है कि ये जो आपने एड्रेस डाला है क्या ये सही एड्रेस है, इसी के ऊपर कार्ड मंगवाना चाहते हैं, दोबारा से कंफर्मेशन मांगा जा रहा है। तो दोनों टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके और एड्रेस वेरीफाई करके नीचे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म योर नेम का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पे कार्ड के ऊपर क्या नेम छपवाना है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिलहाल यहाँ पे ऑटोमेटिक पैन वाला डाटा ले लिया है तो मैं अपने कार्ड के ऊपर यही नाम रखने वाला हूँ, तो नीचे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड इसी पेज के ऊपर देखने को मिल जाता है, जहां पे देख सकते हैं कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट और कार्ड के ऊपर क्या नेम है, सब कुछ यहां पे आपको दिख जाता है। कार्ड कौन से बैंक द्वारा इशू किया गया है सब कुछ आपको यहां पे दिखा दिए जाते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और आपका कार्ड फुल्ली एक्टिवेटेड है यूज करने के लिए। बाकी कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से पहले डोमेस्टिक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को आपको इनेबल करना पड़ेगा, जो कि आप वन कार्ड के इसी मोबाइल एप्लीकेशन से सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो जाइए वन कार्ड क्रेडिट कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई डिसीजन पिन कोड दे दिया हूँ, SBM क्रेडिलियो क्रेडिट कार्ड, जो कि 5000 के एफडी के ऊपर कार्ड मिलता है, लेकिन आपको 4,050 रुपए का वेलकम बेनिफिट मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोनों ही कार्ड बेस्ट है, दोनों ही कार्ड का लिंक डिसीजन पिन कोड दे दिया हूँ। तो बस दोस्तों चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।